Hello, my name is Shubham Rohila, professional mechanical engineer, along with the proud digital network worker. So guys, अगर YouTube पे मुझे पहली बार देख रहे हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी कोई ना कोई वीडियो आपके ऑनलाइन बिजनेस, आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी लेके आ सकती है। आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। सो गाइस, ज्यादा ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे पर्सन के बारे में, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के बारे में, एक ऐसे सोशल मीडिया एक्सपर्ट के बारे में जिसका मैं एक बहुत बड़ा फैन हूँ। ही इज रियली अ जेंटलमैन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर राहुल भटनागर। मैं आज तक इनसे कभी नहीं मिला हूँ, ठीक है। मुझे पता है देहरादून में रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, बट स्टिल मैंने इनकी सिर्फ वीडियोज देखी हैं जो ये यूट्यूब पे डालते हैं, जो ये टिकटॉक पे डालते थे। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसे इनसे कनेक्ट कैसे हुआ। जब टिकटॉक था इंडिया में, बैन नहीं था, तो आई वॉज लाइक वन डे आई वॉज सर्फिंग, ऐसे ही मैं टिकटॉक चला रहा था, कुछ कुछ आ रहा था, तेरी आंखियों की काली काली मस्ती, पता नहीं ये जो भी चीज चलती थी उस पर। तो एक दिन इनकी वीडियो मेरे सामने आई, तो एकदम ऐसे होता है ना, कैची कुछ चीज होती है, पब्लिक स्पीकिंग टिप्स दे रहे थे उस टाइम। ये ठीक 10 सेकंड की वीडियो है, मेरे सामने आई, मैं रुका एक मिनट, मैंने कहा यार ये कौन है। फिर मैं इनकी प्रोफाइल में गया, प्रोफाइल में मैंने देखा काफी सारी इन्होंने वीडियोज डाल रखी थी। मैं इनकी वीडियोज देखता गया, मैं धीरे 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 मेरा फैन बेस इनके लिए बढ़ता चला गया, इवन रेस्पेक्ट भी बढ़ती चली गई, क्योंकि कॉन्टेंट में दम था, ठीक है। टिकटॉक से मैं वापस गया, फिर इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में, मैंने कहा भाई कौन है बंदा, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखा तो सेम तरह का कंटेंट, वैल्यूएबल कंटेंट वहां भी पोस्टेड था। उसके बाद मैं इनके गया यूट्यूब चैनल पे, मैंने यूट्यूब चैनल भी इनका सब्सक्राइब किया, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने वीडियोज डाल रखी थी। गाइस देखो, द मेन थिंग आई गॉट फ्रॉम दिस मैन इज कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस कैसे मिला, अगर आपको देखना है ना मेरा कॉन्फिडेंस क्या बिल्डअप हुआ है, आज से 6 महीने पहले जो मैंने वीडियो डाली थी और अब वीडियो जो डाल रहा हूं, इसमें दोनों में डिफरेंस देख सकते हो। द कॉन्फिडेंस आई बिल्ड अप वाई ओनली वॉचिंग हिज वीडियोज, सिर्फ वीडियोज देखता हूं मैं इनकी। मेरी आज तक इन्हें फेस टू फेस कभी बात नहीं हुई है, कभी लाइव भी चैट नहीं हुई है, ठीक है। बट यस, ही इज लिटरली अ जेंटलमैन, ही इज सच अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर। इनको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर, इनको बोलते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये जो अपने आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समझते हैं ना, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, वो बिल्कुल भी इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, वो खाली सिर्फ आपको ट्रैक से हटाएंगे। लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं ना, राहुल भटनागर टाइप, ये आपको ट्रैक पे लेके आएंगे आपको, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं आपको फ्री में वैल्यू दे रहे हैं। वैसे इनका कोई कोर्स भी है, वो मैंने कोर्स आज तक कभी परचेज नहीं किया है, क्योंकि खाली वीडियोस देख के ही बहुत सारा मुझे ऑलरेडी नॉलेज मिल रही है। सो जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने वाला था, सो एक अच्छे से कहते हैं ना, एक ड्राइविंग फोर्स जो पीछे से लगता है, वो इनकी वीडियोस देख के मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि नहीं यार, जब ये बंदा ये बोल रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो गई। सो आई स्टार्टेड माय जर्नी इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड यस, आई एम गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम एवरीवेयर। एंड यस, इन्होंने बहुत सारी चीजें हमें समझाई हैं कि कॉलेज एजुकेशन इज नॉट इनफ। इन्होंने ये चीज बताई है कि कॉलेज एजुकेशन इज नॉट इनफ, हाउ टू ट्रेन योर माइंड, व्हाट इज पैशन, हाउ टू बी पैशनेट अबाउट समथिंग, what is public speaking tips, what is sales, what is communications, so all these very very important topics he always cover, जिससे सामने वाले की personality में change होता है। See guys, सबसे बड़ा business पता है क्या होता है, सबसे बड़ा business life में वो business होता है जिससे आप सामने वाले का business start करवा रहे हो। So ये ऐसे बंदे हैं जो सबका business start करवा रहे हो। He is not a network marketing, he is just an entrepreneur, और जो बताते हैं communication स्किल्स के बारे में और पब्लिक स्पीकिंग टिप्स, हाउ टू मेक वीडियोज एंड ऑल। सो आई गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम हिज वीडियोज। सो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत है हमें, जो एक्चुअल में वैल्यू दे रहे हो, जो किसी की उतार ना रहे हो। जैसे कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स समझते हैं अपने आप को, सामने वाले की बेइज्जती करके हम अपने आप को कूल दिखाते हैं, है ना, किसी को रोस्ट कर दिया तो हम कूल बन गए, है ना। वो इन्फ्लुएंसर्स नहीं है यार, वो पता नहीं कौन है वो, बिल्कुल वो इन्फ्लुएंसर्स बिल्कुल नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स आर लाइक राहुल भटनागर, दे आर गिविंग यू प्रॉपर वैल्यू, वट यू नीड टू बी पैशनेट, वट यू नीड टू फुलफिल योर ड्रीम्स, दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स एंड आई लिटरली रेस्पेक्ट दिस सच टाइप ऑफ गाइज। ही नो हाउ टू एड वैल्यू टू समवन, ही नो हाउ टू यू नो गिव प्रॉपर वेबिनार्स ऑन सेल्फ एजुकेशन, सक्सेसफुल मंत्रास, सक्सेसफुल फॉर्मूलाज, कम्युनिकेशन तो है ही इनकी बढ़िया, मतलब एवरीथिंग बहुत अच्छा लगता है। एक चीज मैं और बता रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा मैं। एक बार ना इनकी लाइव चल रहा था इंस्टाग्राम पे एंड आई वाज देयर, तो मैं इनको सुन रहा था, ये पब्लिक स्पीकिंग टिप्स के बारे में बताए थे, क्या होता है कैसे होता है। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ इनको और बहुत अटेंशन के साथ मैं उनको उस टाइम देख रहा था। तो मैं क्या देखा, जब ये लाइव कर रहे थे ना, तो नीचे मतलब पता नहीं कौन कौन लोग इनको गालियां दे रहे, गालियां लिख लिख के भेज रहे बार 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 बार, और
इनकम स्टैंड क्या वो था पता है, ये सब सिर्फ इग्नोर कर रहे थे उनको। वो बंदे 8-10 लोग थे, फटाफट इनको गालियां दे रहे, बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, है ना, पता नहीं कौन थे क्या थे, और ये लाइव थे उस टाइम। लेकिन चीजें ऐसे डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं सामने वाले को, सामने वाले एक तो आपको वैल्यू दे रहा है और आप गालियां दे रहे हो उनको, ठीक है। मैंने बाद में इनसे पूछा कि यार आप मतलब इन चीजों को आप कैसे हैंडल करते हो, कोई आपको नेगेटिव बोल रहा है, तो उन्होंने बोला इंटेलिजेंट पीपल ऑलवेज इग्नोर सच टाइप ऑफ स्टफ। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छे समझ में आई कि यार ये सिर्फ 16-17-18 साल के निब्बा निब्बी हैं, अनएजुकेटेड माइंडसेट वाले लोग हैं जो ये उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, क्योंकि सामने वाला बंदा आपको इतनी ज्यादा अच्छी नॉलेज दे रहा है और आप ये कर रहे हो उनके साथ। आप मतलब क्योंकि फ्री है तो आप कुछ भी लिख दोगे किसी के लिए, है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो भी ये लोग करते हैं ना नेगेटिव लोग, ये सिर्फ अनएजुकेटेड माइंडसेट के लोग हैं, निब्बा निब्बी हैं, अकल है नहीं इनमें, ये कर रहे हैं ये काम, ठीक है। मेरे साथ भी अब काफी ये चीज होता है, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहा है, माई वीडियोज आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया एज वेल, सो काफी लोग ना नेगेटिव भी लिखते हैं इसके पीछे। सो मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि इंटेलिजेंट पीपल जस्ट इग्नोर, दीज आर जस्ट निब्बा निब्बीज, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर वर्क। सो इन्होंने बताया कि यार जस्ट फोकस करो अपने वर्क पे, अपने वर्क पे फोकस करो, हाउ टू बी पैशनेट ये बताओ लोगों को, कैसे करना है, कैसे ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, सक्सेसफुल कैसे बनना है, हाउ टू नेवर गिव अप, ये सारी चीजें इन्होंने ट्रेनिंग्स दे रखी हैं गाइस। अगर आपको लिटरली में कुछ, अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना कि यार मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, जस्ट वॉच हिज वीडियोज। आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आप उनको यूट्यूब पे, इन वॉट एवर सोशल मीडिया हैंडल यू वॉन्ट टू फॉलो हिम, आप कर सकते हो गाइस। यू विल डेफिनेटली फील कि हाँ यार सच में एक बंदा है और लिटरली में बहुत अमेजिंग एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। सो आई गॉट लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम हिम सर, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। कि अगर राहुल सर आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है, सो इट विल बी वेरी गुड, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपके पास चली जाए एज जस्ट अ थैंकिंग नोट फ्रॉम माई साइड, बिकॉज आपकी फ्री वाली वीडियोज भी मेरे लिए बहुत ज्यादा कारीगर हुई है, एंड यस आई एम गेटिंग रिजल्ट इन एवरीथिंग वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ। सो गाइज, अगर आपने इन राहुल भटनागर सर की कोई वीडियो देखी है या फिर ऑलरेडी आप उनको जानते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, एंड द वर्ल्ड नीड सच टाइप ऑफ गाइज जो पॉजिटिविटी फैलाएं, नेगेटिविटी ना फैलाएं। इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को इन टाइप के इन्फ्लुएंसर्स की ही जरूरत है, जिन्हें देख के, जिनकी बात सुन के हमें पॉजिटिविटी फील आए। सो गाइज, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। बाय बाय।